जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये झारखंड बोर्ड एग्जाम 2023 के क्लास 12 के छात्रों का ओरिजिनल ओएमआर सीट, और मैं आज इस वीडियो में आपके ओरिजिनल ओएमआर सीट को दिखाऊंगा कि किस ढंग का है। साथ ही साथ बताऊंगा कि आप लोग अपना रोल कोड, रोल नंबर, पंजीयन संख्या, फैकल्टी इत्यादि को किस ढंग से लिखेंगे। साथ ही साथ आपका जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा तो उसके उत्तर को किस ढंग से टिक लगाएंगे। इसीलिए आप सभी छात्र हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो ओरिजिनल ओएमआर सीट है उसको देखें। तो इसमें सबसे ऊपर में आपका दिया गया झारखंड एकेडमी काउंसिल रांची क्लास 12 एग्जामिनेशन 2023, यानी कि आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों का ओरिजिनल ओएमआर सीट है, जिस पर 14 मार्च से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना है। दोस्तों, इसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है रोल कोड, और यहां पर आपका 5 डिजिट का कॉलम बॉक्स दिया हुआ है। तो दोस्तों, मान लेते हैं आपका जो रोल कोड है वो आपका 220001 है। तो दोस्तों, इसको आप लोग कैसे भरेंगे, तो इसको आप लोगों को कैसे लिखना है, यहां पर देखिए आपका 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 0 है, इसके बाद यहां पर 0 है, यहां पर 1 है। तो इस बॉक्स को आपको जो पूरे अच्छे ढंग से इस ढंग से जो है गोल कर देना है। इस बॉक्स से आपको बाहर नहीं निकलना है, अंदर में ही रहना है, लेकिन इसमें टिक सिर्फ नहीं लगाना है बल्कि पूरे अच्छे ढंग से ब्लू या ब्लैक पेन से आपको जो गोल कर देना है, रंग देना है, काला कर देना है। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया गया, तो मान लेते हैं आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपका रोल नंबर 30001 है। तो इसको कैसे भरेंगे, तो देखिए आपका 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। तो ये जो आपका कॉलम है, इस सभी को जो आपको जो है इस तरह से गोल घर को काला कर देना है, यानी कि जहाँ पर आप लिख रहे हैं उसके नीचे का 3 रंगना है, इसके नीचे का 0 रंगना है, इसके 0 नीचे लिखना है, यहाँ का 0 जो है नीचे इसको लिखना है। और दोस्तों, आप लोगों को इसको रंगते समय किसी तरह का कोई भी गलती नहीं करना है, अन्यथा आप लोगों को जो व्हाइटनर का प्रयोग करने नहीं दिया जाएगा। और आप अगर गलती कर दिए और इसी तरह से आपके ओएमआर सीट को झारखंड एकेडमी काउंसिल को भेज दिया जाता है, तो वहां पर आपका जो ओएमआर सीट स्कैनर मशीन है, आपके स्कैनर मशीन के द्वारा ओएमआर सीट को रीड नहीं किया जाएगा और आपका जो रिजल्ट है उसको पेंडिंग कर दिया जा सकता है। तो आप लोगों का जो रिजल्ट हो पेंडिंग नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए आपको किसी तरह का भी कोई तरह का गलती नहीं करना है। दोस्तों, इसके बाद आगे आप लोग यहां पर देखिए फैकल्टी दिया गया, यानी कि आप लोग आर्ट्स का है, कॉमर्स का है या फिर साइंस का है। अगर मान लेते हैं आप आर्ट्स का है तो यहां पर आपको आर्ट्स लिख देना है, और लिखने के बाद यहां पर जो कॉलम दिया हुआ है इसको आपको काला कर देना है। अगर आप कॉमर्स का है तो कॉमर्स वाले को काला करना है, साइंस का है तो साइंस वाले को काला करना है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आप लोग यहाँ पर देखिए आपका जो एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है उसको यहाँ पर लिखना है, जिसमें मान लेते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 220001 है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आर ए दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, आर सी दिया हुआ है, पी सी दिया हुआ है, आर एस दिया हुआ है, यानी कि अगर आप लोग आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जिसका भी हैं तो आपका एडमिट कार्ड में जो लिखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर आर ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको आर ए लिख देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, मान लेते हैं 0132 है, तो यहाँ पर आपको 0 रंग देना है, यहाँ पर 1 रंगना है, यहाँ पर 3 रंगना है, यहाँ पर 2 रंग देना है। इसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं आपका जो है 2021 लिखा हुआ है तो इसको लिख देना है, और यहाँ पर ये जो कॉलम है, ये जो गोल घर है, इसको भर देना है इस तरह से। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोगों का जो नीचे दिया गया है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर आपको जो कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है। मान लेते हैं मेरा नाम जो है अजय कुमार है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए जे वाई, और इसके बाद ये घर छोड़ना है, यहाँ बॉक्स जो है ना इसको छोड़ना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है कुमार, यहाँ पर जो कर्सिव लेटर या स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है बल्कि सारा का सारा आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इसका दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर होगा, जिस तरह से आपका एडमिट कार्ड में सिग्नेचर होगा ना उस तरह से यहाँ पर नेचर करना है। इसके बाद इधर देखिए आपका जो है एग्जाम हॉल में जो इनविजिलेटर रहेगा उसको यहां पर साइन करना है, और यहां पर आपके एग्जाम सेंटर का जो सीएस होगा यानी कि केंद्राधीक्षक, उसका सिग्नेचर यहां होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इतने चीजों को देख लिया। इसके बाद यहां पर देखिए जो महत्वपूर्ण चीज है,
वो आपका पॉइंट चार में दिया गया पेपर टाइप, यानी कि आप जो एग्जाम लिखेंगे 14 मार्च से, तो आपका पेपर टाइप क्या है, 15 और 16 तारीख को ही जो है आपका कोर लैंग्वेज का एग्जाम है। तो दोस्तों आप लोगों को जो उस दिन जो है कोर लिखना है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना कोर एंड MB है ना, तो यहाँ पर आपको जो है लिख देना है कोर एंड MB, ठीक है। और इसके बाद अगर आप आर्ट्स का है तो इसको रंगना है, कॉमर्स का है तो इसको रंग देना है, साइंस का है तो इसको रंग देना है। बाकी दिन आपका जो इलेक्टिव का एग्जाम होगा आर्ट्स के छात्रों का, तो उस दिन यहाँ पर आपको जो है इलेक्टिव लिखना है और इसको रंग देना है। और इसके बाद बाकी दिन आपका जो है आर्ट्स का अगर है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस या फिर अन्य सब्जेक्ट है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है तो यहाँ पर उसको रंगना है और उस यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख देना, यहां पर लिखना है ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, यानी कि जिस दिन जिस चीज का आपका एग्जाम रहेगा उस टाइप को यहां पर लिखना है जो यहां पर लिखा हुआ है, और उसके सामने वाले गोल घर को आपको रंग देना है। यहां पर सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी इत्यादि, समझ गए। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आप लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सब्जेक्ट कोड, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड लिखना है 3 डिजिट का है, और सब्जेक्ट कोड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स को लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है ECO, यानी कि इको लिख देना है, और इसके बाद ये जो गोल घर है इसको रंग देना है। मान लीजिए हिस्ट्री का एग्जाम रहेगा तो आप लोगों को उस दिन क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है HIS, और यहाँ पर जो हिस्ट्री वाला कॉलम है इसको रंग देना है। उसी तरह से साइंस और कॉमर्स के छात्रों को भी लिखना है और रंगना है। इसका दोस्तों एग्जाम डेट दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि आपका जो कोर लैंग्वेज का एग्जाम है वो आपका किस तिथि को है, 15 और 16 को, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के छात्रों का, तो यहां पर आपको जो है डेट लिखना है 16/3/2023, तो इस तरह से इसको रंगना है, भरना है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर का सेक्शन देना है, जिसमें आपको उत्तर लिखना है 40 प्रश्नों का। और मान लेते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न का उत्तर है वो सी है, यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग सी है, तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, पहला का सी है तो इसको जो है सिर्फ इस तरह गोल घर को रंग देना है, दूसरा का अगर मान लेते हैं ये है तो इसको गोल कर देना है, तीसरा का अगर सही डी है तो इसको रंग देना है, चौथा का अगर बी है तो इसको रंग देना है, और इसी तरह से सीरियल नंबर 1 से लेकर 40 तक के सभी प्रश्नों के गोल घर का जो जगह है उसको भरना है। और दोस्तों किसी भी गोल घर को आपको छोड़ना नहीं है, मतलब कि 40 प्रश्नों के उत्तर को दे देना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप लोगों को छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आज आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के छात्रों का जो ओरिजिनल OMR शीट था ये था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि आप लोगों को रोल कोड, रोल नंबर, पंजीयन संख्या, फैकल्टी किस ढंग से लिखना है, साथ ही साथ जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसके उत्तर को किस ढंग से टिक लगाना है। और दोस्तों अगर आप लोग इस PDF को पाना चाहते हैं, इस ओरिजिनल OMR शीट के PDF को, तो इसके लिए जो हमारा वेबसाइट है study24jharkhand.in, उसमें जाइए और वहाँ पर हम इसको दे दिए हैं, आप लोग वहाँ पर इसको डाउनलोड करके इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो था। और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं, VVI प्रश्नों का उत्तर होता है, मॉडल प्रश्न पत्र का सोल्यूशन होता है, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों तक भेजता रहता हूं। इसीलिए आप सभी छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।